नमस्ते दोस्तों दोस्तों मेरा नाम है धीरज और मैं आज आपको बताऊंगा कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले किन किन गलतियों को नहीं करना चाहिए और क्या है सही तरीका। तो दोस्तों आजकल हर कोई शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है और हर कोई चाहता है कि मेरा पैसा ग्रो हो, जल्दी ग्रो हो, ताकि वो महंगाई को बीट कर सके। तो दोस्तों हर लोग ये भी चाहता है कि जो मेरा जो पैसा है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले उस पैसे से। तो लोग FD, म्यूचुअल फंड्स और भी जो भी स्कीम्स है उससे कहीं ज़्यादा रिटर्न आजकल लोग चाह रहा है। तो लोग इस वजह से शेयर मार्केट की ओर सबका रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर आप भी बिगनर्स हैं और शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या गलती नहीं करनी चाहिए शेयर बाजार में। तो दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले आपको चाहिए एक ब्रोकरेज। तो एक ब्रोकरेज आप चुनें, ठीक है, सही ब्रोकरेज चुनें। तो उस ब्रोकरेज जो ऐप है उसमें आपको चाहिए डीमैट अकाउंट। तो उसके लिए आपको चाहिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो इससे आप और आपका आधार जो नंबर है उसमें आपका मोबाइल नंबर अपडेट होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें मैसेज भी आएगा, OTP आएगा आपका जो भी आधार नंबर है उसमें ऐड करेंगे। तो उसमें आप डीमैट अकाउंट खुलवा के आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दिया कि आजकल लोग जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मार्केट की ओर बढ़ रहा है, रुझान सबका हो रहा है, क्योंकि लोग अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद लगाए बैठे हैं और महंगाई को बीट करना चाहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिगनर हैं तो शेयर बाजार जो है सो हेलो दोस्तों, जो बिगनर्स होते हैं दोस्तों वो इन्वेस्ट करने से पहले कुछ गलतियां कर देते हैं जिस वजह से उसकी खून पसीने की कमाई से जो पैसा वो रखते हैं उसका पैसा डूब जाता है दोस्तों। तो दोस्तों आपको जो है सो ये गलती कभी नहीं करना है। सबसे पहला गलती ये है कि आपको एक ही कंपनी में एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हो सके तो आप SIP करा रहे हैं, ये बेटर रहेगा। अब दूसरी बात, आप जो है सो कंपनी में अगर शेयर खरीदते भी हैं तो सारा पैसा एक कंपनी में कभी नहीं लगा। तो आप ये करें कि जो है सो आप 4-5 कंपनी में इन्वेस्ट करें जो भी आपको टॉप लगे। तो आप Nifty 50 का जो टॉप कंपनी है वो आप निकाल सकते हैं गूगल से, ठीक है, उसमें आप इन्वेस्ट करें। Nifty 50 का टॉप कंपनी सर, इंडिया का टॉप कंपनी उसमें Nifty 50 में ऐड है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिया Nifty 50 के टॉप कंपनी इंडिया का जो है Nifty 50 इंडेक्स में लिस्टेड है, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो और दूसरी बात, आप कुछ पैसे जो है तो लार्ज कैप में डालें, कुछ मिड कैप में और स्मॉल कैप में बहुत ही कम पैसा इन्वेस्ट करें। इससे आपका रिस्क मैनेज बराबर होगा दोस्तों। और सारा आप स्मॉल कैप में पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करें ही नहीं, जितना हो सके लार्ज कैप और मिड कैप में ही करें, ठीक है। तो तीसरी बात यह है, और एक बात यह है कि दोस्तों जो है तो आपका जो पेनी स्टॉक है, ठीक है, पेनी स्टॉक्स में कभी निवेश ही नहीं करें। वो ज़्यादातर डूबी हुई कंपनियां ही रहती है पेनी स्टॉक्स में, ठीक है। तो पेनी स्टॉक से आप जितना हो सके दूरी बनाए रखें, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये है, उस सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप किसी भी स्टॉक्स में निवेश करते हैं, शेयर खरीदते हैं किसी भी स्टॉक्स का, तो आप एक बार फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस में आप ये देखें कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का नेटवर्थ कितना है, कंपनी कहीं घाटे में तो नहीं है, कंपनी का कैश फ्लो क्या है, तो ये सब जो है सो आप चेक कर लें, ठीक है। कंपनी का एसेट कितना है, कंपनी का नेटवर्थ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में आता है। तो आप फंडामेंटल एनालिसिस एक बार कर लें कंपनी का तो बेटर रहेगा। और दूसरी बात यह है कि टेक्निकल एनालिसिस का उतना जरूरत इसमें नहीं पड़ता है, वो इंट्राडे में पड़ता है जरूरत टेक्निकल एनालिसिस का। तो फंडामेंटल एनालिसिस काफ़ी है तो स्टॉक में निवेश करने के लिए। तो एक बार आप फंडामेंटल एनालिसिस का जरूर कर लें अध्ययन, और किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले एक बार आप फंडामेंटल एनालिसिस कर लें, ठीक है। कंपनी घाटे में तो नहीं चल रही है, कंपनी क्या करती है, कंपनी का जो
नेटवर्क है वो बढ़ रहा है कि नहीं, कंपनी हर साल प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, वो आपको पता चलेगा कि ये कंपनी, भले आप चार्ट देखे नहीं, बिना चार्ट का ही डाल दीजिए, लेकिन आप जो कंपनी का नेटवर्क एसेट कैश फ्लो सब बढ़ रहा है कि नहीं, अगर सब कुछ है और कंपनी का कर्ज तो नहीं है, अगर मान लीजिए सब कंपनी के पास सब कुछ है, नेटवर्क है, एसेट सब कुछ है, कर्ज तो नहीं है ज़्यादा, वो भी आपको देखना है, ठीक है। तो आप बिना चार्ट देखे ऊपर नीचे मार्केट कहाँ है वो भी नहीं देखें, लेकिन कंपनी आगे चल के लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में ही रहेगा, तो एक बार फंडा एंटर करके ही आप जरूर इन्वेस्ट करें, ओके। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।